दोस्तों, जैसे ही खरमास शुरू होता है वैसे ही मांगलिक कामों पर रोक लग जाती है। इन मांगलिक कामों में ज्यादातर शादी विवाह जैसे काम आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि खरमास को ही मलमास कहा जाता है, लेकिन क्या आप में से कोई ये जानता है कि खरमास या मलमास क्या होता है और इस दौरान क्यों मांगलिक कामों पर रोक लगती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि खरमास की शुरुआत इस बार 16 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान विवाह कार्य, भूमि पूजन और गृह प्रवेश आदि शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं खरमास होता क्या है। दोस्तों, जब प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, इस तरह हर महीने संक्रांति तिथि होती है। और जब सूर्य गुरु ग्रह की राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, उस एक माह को खरमास या मलमास कहा जाता है। इस एक महीने कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन साथ ही इस दौरान कई ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको उन कामों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें इस महीने करना चाहिए और साथ ही उन कामों के बारे में भी बताएंगे जो इस माह नहीं करने चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से काम करने से लाभ मिलता है। खरमास के दौरान नियमित रूप से सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। इससे भगवान सूर्य की कृपा से मान सम्मान और तरक्की होती है। खरमास में दान करना बहुत पुण्यकारी रहता है। इस समय ब्राह्मण, गुरु और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही इस माह गौ माता की सेवा करना बहुत शुभ फलदायक होता है। खरमास के दौरान जगत पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत लाभप्रद रहता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खरमास के दौरान प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और संध्या वंदन करना चाहिए। मलमास के इस महीने में गौशाला जरूर जाना चाहिए। गायों को गुड़ और हरा चना खिलाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में चाय की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इस पूरे महीने गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं कौन से कामों को करने की मनाही होती है। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य न करें। खरमास में देर तक न सोएं और न ही पलंग पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर सोना श्रेष्ठ रहता है। इस दौरान किसी को अपशब्द न कहें, वाद विवाद करने से बचें, असत्य का त्याग करें। खरमास के दौरान सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा और अन्य किसी भी तरह की नशीली चीजों का सेवन न करें। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।